अपने खास दिन पर आलिया और प्रियंका की नकल कर बैठी नयनतारा। शादी के जोड़े में किया बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कॉपी। साउथ की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा नयनतारा की खुशी का इस समय कोई ठिकाना ही नहीं है। आखिर बीते ही दिन नयनतारा ने अपने मिस्टर राइट और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से शादी जो रचाई है। महाबलीपुरम में ये कपल 7 जन्मों के बंधन में बंधा है। इस शादी में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से लेकर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। वहीं शादी के दिन नयनतारा दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत नजर आईं। सुर्ख लाल रंग के जोड़े और भारी गहनों से लदी नयनतारा आसमान से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इस शाही जोड़े में नयनतारा राजकुमारी जितनी खूबसूरत नजर आ रही थी। अपनी शानदार वेडिंग ड्रेस के साथ नयनतारा ने एक अनोखा हीरा और पन्ना जड़ित हार गले में पहना था। दुल्हन नयनतारा का हर अंदाज दिल चुराने के लिए काफी था। बालों में गजरा नयनतारा के लुक में 4 चांद लगा रहा था। वहीं जैसे ही इस कपल ने अपनी शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो दोनों के वेडिंग लुक की भी चर्चा होने लगी। साथ ही एक्ट्रेस के वेडिंग लुक को देखकर लोगों को बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस की शादी का लुक भी याद आ गया। ऐसी चर्चा होने लगी कि नयनतारा ने बी टाउन की टॉप एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के वेडिंग लुक की नकल अपनी शादी में की है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी में सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना था और उसके साथ हेवी ज्वेलरी भी पहनी थी। नयनतारा का वेडिंग लुक भी हूबहू देखने में ऐसा ही दिखाई दिया, जिसके बाद से ही नयनतारा का नाम वेडिंग लुक कॉपी करने की वजह से चर्चा में छा गया। वहीं सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट के वेडिंग लुक की झलक भी नयनतारा के ब्राइडल लुक में देखने को मिली। अप्रैल में आलिया ने रणबीर कपूर संग शादी की है। आलिया ने रेड कलर को छोड़कर दुल्हन के लिबास में ऑफ व्हाइट डिजाइनर साड़ी पहनी थी। भले ही नयनतारा ने व्हाइट की जगह रेड ड्रेस पहनी थी, लेकिन जिस फैब्रिक से आलिया की साड़ी तैयार हुई उसी से नयनतारा का ब्राइडल ड्रेस भी तैयार हुआ। ऐसे में कुल मिलाकर चर्चा यही रही कि साउथ एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के वेडिंग लुक को मिलाकर अपना वेडिंग आउटफिट तैयार करवाया। अब भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नयनतारा अपनी शादी के दिन बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं नयनतारा के दूल्हे विघ्नेश ने व्हाइट कलर का कुर्ता धोती पहन रखा था। वो पूरी तरह साउथ इंडियन लुक में नजर आ रहे थे। शादी के वक्त दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और विघ्नेश अपनी दुल्हन को माथे पर किस करते दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी शादी के दिन इन दोनों स्टार्स ने डिजाइनर मोनिका के कलेक्शन से आउटफिट पहने थे। बता दें कि नयनतारा और विघ्नेश ने एक दूसरे के साथ 9 जून 2022 की सुबह को शादी की थी। दोनों ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार शादी के बंधन में बंधे। शादी की रस्में सुबह 8:10 पर शुरू हुई और समारोह में कई हस्तियों को न्योता दिया गया था, जिसमें बॉलीवुड से शाहरुख खान नयनतारा की शादी में खास मेहमान बनकर पहुंचे। वहीं साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर रजनीकांत नयनतारा और विघ्नेश को आशीर्वाद देने पहुंचे। इसके अलावा विजय सेतुपति, बोनी कपूर और थलापति विजय समेत कई हस्तियां इस वेडिंग में शामिल हुई। नयनतारा के करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी शादी का हिस्सा बने। बताते चले कि नयनतारा और विघ्नेश ने 7 साल रिश्ते में रहने के बाद शादी रचाई है। खबरें हैं कि शादी के बाद नयनतारा और विघ्नेश चेन्नई में अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। इनके वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई नामी स्टार्स शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।